इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्वीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, देवाद्येव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अरम ध्यान उपनेता मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। कितना ही बच के चलो, कितना ही देख करके चलो, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है एक बार मुनि श्री समय सागर जी महाराज को भी शायद एक चोट लगी थी। नहीं नहीं अंगूठे में नहीं, यहीं लगी थी। वो चल रहे थे और महाराज जी की आदत है वो थोड़ा सा बिल्कुल नीचे ही सिर झुका करके ज्यादा देख करके चलते हैं, तो शायद सामने कुछ ऐसा कुछ पाइप वगैरह था, साइकिल उनके ऊपर गिर गई। साइकिल खड़ी थी, अच्छा किसी बच्चे का धक्का लगा और साइकिल उनके ऊपर गिर गई। अब देखो ये होता है, अपन चल रहे हैं एरिया समिति से, अपन चल रहे हैं सावधानी से, नीचे देखकर सामने देखकर, और अचानक से कुछ भी हो जाए। ये घटना यही सतना की है ना, ये भी याद आ गई मुझे, है ना। उस समय पर मुनिश्री के लिए जो है इस तरह की एक अचानक से लगने वाली चोट, हमें लगा देखो कितनी सावधानी से मुनि महाराज चलते हैं और फिर भी उनके लिए कोई ना कोई बगल का व्यक्ति आकर के आपत्ति पैदा कर सकता है और हो जाती है। ये भी एक आपत्ति है, पत्ती माने गिर पड़ना, प्राप्त हो जाना, और आ माने आकर के, सामने से अगल से बगल से किसी भी तरह से जो हमारे लिए दुख की प्राप्ति हो जाए उसका नाम है आपत्ति। अब ये आपत्तियां किसी के लिए भी हो जाती हैं, पैदल चलने वालों के लिए भी हो जाती हैं, गाड़ियों पे चलने वालों के लिए भी हो जाती हैं, ट्रेनों में चलने वालों के लिए भी हो जाती हैं, ट्रेनों के भी भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं, सब आप देखते रहते हो सुनते रहते हो, और प्लेन भी क्रैश होते रहते हैं, उनमें भी न जाने कितने कितने लोग मर चुके होते हैं, निकल गए होते हैं, कहीं पर भी किसी भी तरह का ब्लास्ट हो जाता है। और ये तरह तरह की आपत्तियां जो आप देखते हो ये भी अपने आप में अचानक आ पड़ने वाले दुख हैं। संसार में जब तक हैं तब तक कोई ना कोई आपत्तियों से हम घिरे ही रहते हैं। यहां बैठे हैं शांति से, अचानक से न जाने घर में क्या हो जाए, कौन सा फोन आ जाए, तुरंत उठ के जाना पड़ जाए, आपत्तियों में घिर पड़े। समझ पा रहे हो, हम बहुत जल्दी कह देते हैं भगवान आप तो सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो, तो सारे दुख हमारे ऊपर क्यों टूट पड़ रहे हैं? क्योंकि हम भगवान को सुखी रूप में देख नहीं पा रहे हैं, हम भगवान को सुख के रूप में जानते ही नहीं है। भगवान के सुख को स्मरण करने से भी हमारे बहुत कुछ दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन हम भगवान को केवल एक शक्ति के रूप में ही देखते हैं। भगवान हमारे दुख दूर करो, भगवान हमारे दुख दूर करो, हमारे ऊपर दुख नहीं आना चाहिए, हमारी मानसिकता ये रहती है। लेकिन हम क्या कभी भगवान के गुणों का गान इस रूप में कर पाते हैं कि भगवान आप कितनी प्रकार की आपत्तियां होती हैं उन सब आपत्तियों से दूर हो गए। जो आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो गई, जिन्हें निर्वाण हो गया, जो शुद्ध आत्माएं हो गई, जो सिद्ध आत्माएं हो गई, उन अरहम में, उन सिद्ध आत्माओं में किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा कभी नहीं आ सकती। किसी भी तरह का भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ें आ जाए,
लोक में कितना ही उलट पुलट हो जाए लेकिन उन आत्मा के अंदर किसी भी तरह का कोई भी हलचल आपत्ति के रूप में नहीं आ सकती। तो हम कभी उनका इस तरह से स्मरण कर पाते हैं कि हे भगवान आप कितने सुखी हैं। जब हमें अपना दुख होता है तो अपने दुख का रोना लेकर के तो हम बैठ जाते हैं कि भगवान मेरा दुख दूर करो, हम आपके चरणों में आए हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम कभी वास्तव में भगवान का गुणगान करते हैं क्या? अगर हम अपना दुख दूर करने के लिए भगवान के सामने बैठ गए तो क्या वो भगवान की स्तुति कहलाएगी? क्या वो भगवान की प्रार्थना कहलाएगी? वो तो अपना दुख दूर करने की भावना के साथ में भगवान के लिए विनती कहलाएगी। समझ पा रहे हो? विनती अलग होती है और स्तुति अलग होती है, ये सीख लो आज। विनती क्या होती है? विनती में हम भगवान से बार बार अनुनय विनय गिड़गिड़ाना, अपने दुखों को दूर करने के लिए बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, मांगना, याचना करना, ये सब करते हैं। इसका नाम क्या है? ये विनती है, दुख हरण विनती। क्या है दुख हरण विनती में? बस हमारे भगवान दुख हरण करो, संकट मोचन विनती। हे भगवान हमारे संकटों को मोचन करो, हमें संकटों से बचा लो, ये विनती है, स्तुति नहीं है। स्तुति कहलाती है पुण्य गुणोत्कीर्ति ही, भगवान के पुण्य गुणों का कीर्तन करना ये स्तुति कहलाती है। भगवान के पवित्र गुणों का स्तवन करना, उनके यश का व्याख्यान करना, उनके वाणी का, उनके द्वारा बताए गए तत्वों का व्याख्यान करना और भगवान की वाणी के इस तरह से व्याख्यान करने से जिससे कि हमें भगवान की महिमा का अपने अंदर भान उत्पन्न हो या दूसरे के अंदर भान उत्पन्न हो तो उसको स्तुति कहते हैं। आज दुनिया में लोग स्तुति नहीं करते हैं, विनती करते हैं हमारे दुख दूर करो, और भगवान भी तभी याद आते हैं जब कोई दुखा पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी घर से मंदिर नहीं जाते हैं, कभी मुनि महाराज के पास नहीं आते हैं, लेकिन जब घर में कुछ आपत्तियां आ जाती हैं तब घर के कोई बड़े लोग होते हैं, कहते हैं बेटा चल मंदिर चल, तो फिर उसको थोड़ी देर में अपने आप समझ में आने लग जाता भैया चलना चाहिए, अब कोई और उपाय नहीं है तो चलो मंदिर ही चलो। घर के बड़े लोग कहते हैं भैया चल अब थोड़ा सा महाराज के पास भी चल, दर्शन कर ले, उपदेश सुन ले, वहां चल के भी बहुत सारे काम बन जाते हैं, तो फिर सोचता है चलो भैया महाराज के पास भी चलते हैं, नहीं तो जिंदगी भर हो जाता है माँ चिल्लाती रहती है बेटा मंदिर ही नहीं जाता, बेटा गुरु के पास ही नहीं जाता, बेटा उपदेश ही नहीं सुनता, न जाने बेटे को क्या हो गया, जिंदगी भर चिल्लाती रहती माँ। और जब कुछ आपत्ति आ जाती है तो चलने को तैयार हो जाता है, फिर माँ बेटे को लेकर के आती है, कहती है बेटा चल, और अगर आ गया और कहीं मंदिर में भगवान के साथ साथ मुनि महाराज मिल गए, क्योंकि महाराज मिल गए तब तो अच्छी बात है, क्योंकि भगवान तो बात करते नहीं है, और मुनि महाराज मिल गए तो बड़ी मिन्नत से आकर के माँ गिड़गिड़ाएगी महाराज बड़ी मुश्किल से बेटा आया है, मंदिर नहीं आता था, पहली बार आया है, आपके दर्शन करने आया है, इसे कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो, इसे कुछ ऐसा समझा दो जो इसके लिए मंदिर आने में मन लगा रहे, आता रहे, आपके ही चरणों में बार बार आता रहे तो भी मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। ये बात जब आती है माँ के अंदर ये भावना आ गई, बेटे के अंदर भी अगर मान लो ये भावना आ गई तो ये भावना भी आना अभी क्या है, वो अभी कोई मुनि महाराज या भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित होकर के नहीं आया, वो अभी कोई स्तुति करने के मूड में नहीं है, वो अभी क्या है, शायद कुछ सरप्राइज्ड कुछ हमारे साथ में हो जाए, कुछ हमारे साथ में आश्चर्यजनक घटित हो जाए, और माँ भी कुछ ऐसी ही कल्पना करती बेटे के लिए कि बेटे के साथ में कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि इसका विश्वास जुड़ जाए महाराज से तो ये आता रहे। ये सब क्या है? ये सब कहीं से कहीं तक न धर्म है, न भगवान को समझना है, न भगवान के गुणों का कीर्तन है, न भगवान के गुणों का स्मरण है। ये सब क्या है? ये सब दुख हरण विनती है। समझ पा रहे हो? आपको एक नया चिंतन दे रहा हूं, भगवान शांतिनाथ की कृपा से ही ये नया चिंतन आया है। विनती में और स्तुति में अंतर समझो।
विनती में हम अपना माथा रगड़ते हैं, हे भगवान आपने अंजना के दुख दूर कर दिए, आपने सेठ कौन से जिनेंद्र दत्त के उनके दूर कर दिए, किसी सोमा के दूर कर दिए, मनोरमा के दूर कर दिए, सेठ सुदर्शन के दुख दूर कर दिए, हमारे क्यों ना करो, देर क्या लगी, देर क्या लगी, कुछ बोलते ना ऐसे, बार क्या लगी, हाँ मेरी बार देर क्यों लगी। ये विनती करना, ये भगवान की स्तुति करना नहीं है, समझ पा रहे हो? ये मैं एक नई बात कह रहा हूं, स्वाध्याय करने वालों को एक थोड़ा सा इसमें चोट लग सकती है, लेकिन हृदय घात नहीं होगा, चिंता नहीं करना। चोट का मतलब उनकी बुद्धि पर एक थोड़ा सा आ सकता है कि अभी तक हमने ऐसी बात सुनी नहीं, अभी तक हमने ऐसा विचार किया नहीं, लेकिन वास्तव में क्या ये भगवान के गुणों की स्तुति है? नहीं। हम दूसरे का भी रोना रो रहे हैं और दूसरे का रोना रो करके अपने रोने को दूर करने के लिए हम भगवान के सामने रो रहे हैं, दूसरे का रेफरेंस दे दे करके। भगवान जैसे हम किसी के पास कंप्लेंट लेकर के जाएं या अपनी बात मनवाने जाएं तो हम क्या करते हैं, दूसरे की फाइलें दिखाते हैं। आपने उनके लिए तो सब अच्छा कर दिया था, आपने उनके लिए ठीक कर दिया था, उनकी फाइल आपने संभाल दी थी, मेरी क्यों लटक रही है फिर? नहीं समझ आ रहा? ये हम क्या कर रहे हैं, ये भगवान की कोई स्तुति नहीं कर रहे हैं। ये अगर हम किसी भी तरह से दूसरे लोगों के लिए भी उदाहरण दे करके हम इस तरह का कोई भी भगवान के सामने स्तुति रूप में कार्य कर रहे हैं तो ये स्तुति नहीं है, ये विनती है। स्तुति क्या होती है? सहस्र नाम स्तोत्र पढ़ो तब आपको समझ में आएगा स्तुति क्या होती है। भगवान के एक एक नाम कितने गुणवान हैं, एक एक नाम में कितने गुण हैं, उन गुणों के स्मरण करो तो आपको समझ में आएगा ये भगवान के गुणों की स्तुति है। ये जो भगवान की भक्तियां लिखी गई हैं, इन भक्तियों को पढ़ो, इन भक्तियों के पढ़ने से आएगा कि स्तुति क्या होती है। हम जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो भगवान के गुणगान करेंगे, और जब भगवान के गुणगान करेंगे तो हम भगवान के अंदर जो है उसी का बखान करेंगे। हम कब भगवान के सुखों का वर्णन करते हैं? हे भगवान आपका सुख कितना, आपके अंदर कोई आपत्ति नहीं है, भगवान आप कितने सुखी हैं, कभी हमने अपने मुंह से निकाला भगवान के लिए? हमें क्या पड़ी, आप होंगे होंगे सुखी अपने लिए होंगे, तब तक तो भगवान अपने लिए सुखी होंगे ऐसा लगता है, और जब हमारे ऊपर कोई दुख आ गया तब हम रोना लोकर बैठ जाते, भगवान हमारे दुख दूर करो। भगवान ने ठेका ले रखा है तुम सबका कि भगवान के प्रति आप अपनी कर्ता बुद्धि बना करके रखते हो कि भगवान हमारे दुख दूर करेंगे तो हम भगवान को मानेंगे, और दुख दूर नहीं करेंगे तो हम भगवान को नहीं मानेंगे। ऐसे मानने वाले कभी भी भगवान के भक्त नहीं होते, वो सब कम भक्तों की श्रेणी में आते हैं, भक्त नहीं कहलाते वो। भक्त क्या करता है? भक्त सिर्फ भगवान के गुणों का भजन करता है, भगवान के जो गुण है उन्हें कहता है, हे भगवान आपके अंदर क्षुधा नहीं, तृष्णा नहीं, बुढ़ापा नहीं, किसी भी तरह के रोग नहीं, आपकी आत्मा कितनी सुखी होगी, आपके लिए कभी भी कोई आपत्ति आने वाली नहीं, माने आपका फ्यूचर कितना, माने पूरा का पूरा फ्यूचर इनफाइनाइट टाइम के लिए, अनंत काल के लिए, भगवान को कभी भी अपने भविष्य में किसी भी तरह की आपत्ति की कोई आशंका ही नहीं। सोचो जहां कोई आशंका ही नहीं आपत्ति की, कितना बड़ा सुख होता है कि यहां पर कोई बिजली गिरेगी ही नहीं। नहीं समझ आ रहा है? यहां बैठे हो ऊपर पंखा चल रहा है आपके, लेकिन कोई गारंटी नहीं है वो चलता हुआ पंखा भी गिर सकता है, मैं नहीं जानता। नहीं समझ में आया? कुछ भी हो सकता है। ये छत के नीचे बैठे हो, छत भी गिर सकती है। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई यहां पर बैठ करके आपके ऊपर पंखा भी गिर सकता है, छत भी गिर सकती है, तो फिर आप यहां पर निश्चिंत होकर के बैठ नहीं पाओगे। आप यहां कब तक निश्चिंत होकर के बैठे हो? आपको लगता है कि नहीं ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होगा, फिर कोई आपको याद दिलाए कि देखो वहां ऐसा हुआ था, वहां वैसी घटना घटी थी, अरे नहीं वो उसकी गलती होगी, वो अच्छे उसमें मतलब मैकेनिक नहीं होंगे, अच्छे उसमें ठेकेदार नहीं होंगे, अच्छा सीमेंट का यूज नहीं किया होगा इसलिए वो छत गिर गई होगी, ये छत नहीं गिरेगी। समझो
हम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है अगर हम ये सोचना शुरू कर दें तो कि आपत्ति हमारे ऊपर कभी भी किसी भी तरह से कहीं से भी गिर करके आ सकती है। आपत्ति आने से पहले आपसे कहेगी नहीं मैं आ रही हूं, समझ आ रहा है? पहले जब घरों में इसे यहां पर एक बहुत बड़ा सुख यह है कि यहां पे बंदर नहीं है। सतना में एक बड़ा सुख हमें एक ये भी समझ में आ रहा है यहां पे है अभी बंदर नहीं, अभी देखे तो नहीं हमने, नहीं यहां पे कभी ऐसा परेशान होता हुआ नहीं देखा, इस एरिया में नहीं है अभी। अरे थोड़ा इस एरिया की बात कर रहा हूं, जब से आया हूं मैंने नहीं देखा अभी, है ना, कोई उत्पात किया हो कहीं, कोई उदम मचाया हो। यूपी में चले जाओ कहीं भी बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर हर जगह पर, समझ आ रहा है? घरों में जब छोटा था घरों में देखता था कि जैसे माने कहा कि थोड़ी सी कोई भी छत पर चीजें पड़ी हुई हैं, दालें या कोई कपड़े वगैरह, तो थोड़ा देखते रहे ना बंदर नहीं आ जाए बंदर नहीं आ जाए, तो देखते रहे बंदर नहीं आ रहा बंदर नहीं आ रहा, बहुत देर से बंदर नहीं आ रहा, तो अपन अपने कमरे में चले गए अपना काम करने लग गए, समझ आ रहा है? और अचानक से बंदर आ गया, कुछ भी नुकसान कर गया, चला कुछ भी लेकर के चला गया, तो फिर घर के लोग कहते हैं तुमसे कहा था ना घर थोड़ा सा देखना, यहीं पे बैठना, डंडा लेकर के यहीं पर खड़े रहना, कहां चले गए थे? कोई था ही नहीं उस समय पर। और जैसे ही चले गए तो तुरंत बंदर आ गया, तो उस समय पर घर के लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात, सुन रहे हो क्या कहते हैं? बंदर तुमसे कह के नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूं, ये बताते थे उस समय पर, इसलिए देखते रहो जागते रहो। इसी तरह से कोई भी आपत्ति आएगी तो तुमसे कह के नहीं आएगी कि मैं आ रही हूं, अचानक से वो आपत्ति आ पड़ती है, और जब आ पड़ती है तो कभी कभी जीव का उसमें मरण भी हो जाता है और कभी कभी जीव उसमें रोगी भी हो जाता है, अपाहिज भी हो जाता है। वो आपत्ति किसी भी तरह की हो सकती है। आप सोचो हम आप किसी भी लोगों का जीवन बिल्कुल आशंकाओं से रहित नहीं है, लेकिन भगवान सिद्ध प्रभु का जीवन सारी आशंकाओं से रहित है, सारी आपत्तियों से रहित है। हम कभी क्या हाथ जोड़ करके भगवान के सामने ऐसे तरह से उनके गुणों की स्तुति कर पाते हैं? हे भगवान आपकी आत्मा कितनी शुद्ध हो गई, कितनी सुरक्षित स्थान पर चली गई, आप कितने सुरक्षित स्थान पर हमेशा के लिए विराजमान हो गए जहां पर दुनिया की कोई आपत्ति आपके लिए छू भी नहीं सकती। ऐसी अगर हम भगवान के सामने कोई भी अपने मुख से स्वर निकालें तो ये कहलाते हैं स्तुति के स्वर, इसे कहते हैं स्तुति, क्योंकि इस तरह की स्तुति करने में आप सिर्फ भगवान की बात कर रहे हो, अपने दुख का रोना नहीं रो रहे हो, आप भगवान के गुणों का बखान कर रहे हो। ये भगवान का गुण है, भगवान की क्वालिटी है, भगवान जितना सुखी कोई भी नहीं है। तो आचार्य कहते हैं उनके सुख की ओर ही देखो, और वो सुख क्या है? तो अभी तो ये ऊपर ऊपर के वो उग्र दुख जो उग्रता के साथ में हमारे सामने रहते हैं, वो उग्र दुख का अभाव होना भी हमें एक सुख के रूप में बताया जा रहा है। व्यापत्ति आदि उग्र दुख प्रभव भव हते, उन उग्र दुखों से उत्पन्न होने वाला जो हमारा संसार है उस सारे संसार को भी आपने नष्ट कर दिया, क्योंकि जो आदमी दुख के साथ में संसार में रहेगा और दुखी होते होते ही मरण को प्राप्त होगा, वह अन्य जन्म में भी फिर दुख को प्राप्त होगा, क्योंकि उस दुख से बचने का उसे कोई शाश्वत उपाय मिला नहीं था, तो दुख उसके ऊपर आते रहेंगे। तो यहां आचार्य कहते हैं हे भगवान आप उन सारे सांसारिक दुखों से उग्र दुखों से दूर हो गए, जो दुख हमें सोच करके ही डरा देते हैं उन्हें उग्र दुख बोलते हैं। ये उग्र दुख है कि नहीं? अगर आपसे कहा जाए कि देखो रास्ते में जा रहे थे कहीं पर कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया, या कहीं कोई ऐसी एकदम से कोई करंट लग गया और वहां पर एक साथ 15 आदमी 17 आदमी एक साथ उस करंट की चपेट में आ गए, और कहीं हम भी वहां से गुजरे हुए होते, एक मिनट बाद वहां पहुंच रहे हैं, एक मिनट पहले वहां से गुजर गए हैं, तो हम उस समय पर अपने लिए कितना कितना अपने लिए सोचते, देखो मैं कैसे बच गया, एक सेकेंड एक मिनट में मैं बच गया, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता।
ऐसी विचारणा से जो हमें पता पड़ता है कि ये दुख है, इसी को कहते हैं उग्र दुख। और ऐसे उग्र दुख भगवान के पास नहीं है। ये अभी भगवान के भीतरी सुखों के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ये तो अभी आपको ऊपर ऊपर से समझाया जा रहा है कि आप पहले ये समझ लो कि ऐसे उग्र दुख भी भगवान के पास नहीं है जो उग्र दुख हम दुनिया में देखते रहते हैं, संसारी जीवों में देखते रहते हैं। कितनी तरह के उग्र दुख होते हैं, कितनी ही माताओं का, बहनों का गर्भवती होने के बाद में गर्भ के कारण से भी उनका मरण हो जाता है, जो गर्भ में बच्चा होता है उसके कारण से भी मरण हो जाता है। आप सोचो, जब व्यक्ति के लिए कैंसर हो जाता है, कैंसर से पीड़ित होता है, आप कभी कैंसर पीड़ित की वेदना देखना, कितनी वेदना होती है। पेट का कैंसर हो, पेट में पानी बनने लग जाता है, इतना तड़फता है, इतनी भूख लगती है, इतनी बेचैनी होती है कि उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हम सब सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे उग्र दुखों को देख करके भी हमारे मन में विचार नहीं आता कि इन उग्र दुखों का मुख्य कारण क्या है। इन उग्र दुखों का मुख्य कारण संसार नहीं है। संसार में जन्म लेना और जन्म लेने भी एक कारण नहीं है, जन्म के पीछे भी जो कारण है वो है इस शरीर के प्रति आसक्ति बनी रहना। शरीर है तो आसक्ति तो होगी, हमारा शरीर है, लेकिन ये आसक्ति ही इस संसार के दुख का मूल कारण बन जाती है। शरीर है तो हमेशा हमें शरीर अच्छा ही मिले, निरोग ही मिले, जरूरी नहीं है। शरीर कभी भी हमारे लिए रोगी भी मिल सकता है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में भी बच्चों को, बड़ों को कैंसर हो जाते हैं। शरीर मिला, सुंदर रूप है, अच्छे कुल में जन्म हुआ, बुद्धि अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अचानक से जो है कोई ऐसी बीमारी आई कि 2 साल के अंदर उसका जीवन बिल्कुल सूख गया और अंत अंत में उसका ऐसा पीड़ा के साथ में उसका मरण हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति, इतना स्वस्थ अच्छा दिखने वाला व्यक्ति भी इस तरह की बीमारी से ग्रस्त होकर के इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं देखते हो क्या? बोलो तो, कुछ नहीं सुनते हो? कुछ आगे पीछे दिखाई नहीं देता क्या? रिश्तेदारों में, आसपास ऐसी कोई घटनाएं देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? और ऐसी घटनाओं को देखने के बाद भी हम क्या सोचते हैं? वो तो उसके लिए, क्या सोचते हैं? वो तो उसके कर्म का उदय है, वो बीमारी तो उसके कोई अपने पुराने कर्म के फल से उसे भोगनी पड़ रही है। हमारे मन में कभी विचार आता है कि उस समय पर हम ये सोचें कि इस तरह की बीमारियों से रहित सर्वथा कौन है? क्या हम इन बीमारियों से सर्वथा रहित हैं? विचार भी नहीं कर लेना, डर लगने लग जाता है, क्योंकि कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं जैसा विचार करोगे वैसा ही शरीर में होने लग जाता है, विचार भी मत करना ऐसी बीमारी का। लेकिन क्या हम ये तो विचार कर सकते हैं, हे भगवान, इस संसार में अगर शरीर मिलता है तो ऐसे दुख हमारे ऊपर भी आ चुके हैं, ऐसी पीड़ाएं हम भी कई बार भोग चुके हैं और आगे आने वाले जन्मों में भी आ सकती हैं और इस जन्म में भी आ सकती हैं, इन पीड़ाओं का कोई अंत नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है। ये विचार क्षण भर के लिए नहीं आता, कुछ नहीं आता, सुन लिया और सो गए, नींद भी आ जाती है आप लोगों को। जब तक आपके मन में ऐसा विचार नहीं आएगा कि इन उग्र दुखों का कारण क्या है और इन उग्र दुखों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए या इन उग्र दुखों से बचा हुआ जीव कौन है, तब तक आपको कभी भी धर्म के प्रति भीतर से विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। इन उग्र दुखों से बचने का उपाय क्या है और ये दुख हमें क्यों मिलते हैं, तो इनका मूल कारण है, आचार्य कहते हैं, अपने शरीर के प्रति आसक्ति रहना। और वह शरीर की आसक्ति
हर जन्म में हर शरीर के साथ रहती है, लेकिन वह कभी कभी वही शरीर की आसक्ति हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है जब वह रोग हमारे सामने आ जाते हैं। और इन दुखों से सर्वथा रहित कौन है? तो सिद्ध प्रभु, सिद्ध आत्माएं, शुद्ध आत्माओं का स्मरण करना चाहिए, जिनकी आत्मा में अब कोई दुख क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास में कोई शरीर नहीं है। ऐसा भौतिक शरीर जो हमें मिला है, ऐसा भौतिक शरीर उनके पास में नहीं है, और इस शरीर के अभाव के कारण से ही उनकी आत्मा इस प्रकार के दुखों से मुक्त है। जो ये बाहरी दुख है, अभी इन बाहरी दुखों से मुक्ति की बात कही जा रही है, अभी भीतरी सुखों की बात नहीं कही जा रही है। लेकिन भीतरी सुख जो आगे बताए जाएंगे, उससे पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि ये बाहरी दुख भी हमारे अंदर कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। मान लो हमारा शरीर हमारे लिए मिला, अब इस शरीर के अंदर अचानक से कोई दुख उत्पन्न हो गया। मान लो आजकल बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की बीमारी चल रही है, साइलेंट अटैक आते हैं। आप समझ पाते हो ये अटैक क्यों आते हैं? हृदय एक ऐसी चीज है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमेशा काम करता रहता है। आप सो भी जाओगे तब भी आपके सारे शरीर के अवयव काम करना बंद कर सकते हैं, कुछ क्षण के लिए विश्राम कर सकते हैं, लेकिन हृदय एक ऐसी चीज है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता। और जिस दिन उसका विश्राम हो गया, आपका पूरा आराम हो जाएगा। जिस क्षण वह रुक गया, जिस क्षण उसने अपना काम करना बंद कर दिया, बस उसी का नाम एकदम से आप कहते हो ये क्या हो गया, अचानक से अटैक हो गया। वो अटैक कहां से आया? अब ये बाहरी अटैक नहीं है, ये अटैक कहां से आया? ये भीतर से आया। इस अटैक को हमने कैसे प्राप्त किया? हृदय रोग आजकल जो ज्यादातर उत्पन्न हो रहे हैं, होते हैं, ये हृदय रोगों का अगर हम केवल साइंस की अपेक्षा से कारण देखें, शरीर विज्ञान की अपेक्षा से कारण देखें, तो शरीर विज्ञानी जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि आपके शरीर में अगर कोई प्रदूषित तत्व बन रहे हैं, आपका खान पान अनियमित है, आपका खान पान स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, तो ऐसी जो चीजें होती हैं उसके कारण से जो शरीर में प्रदूषित तत्व बनते हैं वह हृदय को परेशान करने लग जाते हैं। क्योंकि जो कुछ भी शरीर के अंदर बनेगा वो हृदय की गति को प्रभावित करता है, रक्त को प्रभावित करता है, और रक्त में जब इस तरीके की बाधाएं उत्पन्न करने वाली चीजें शरीर के अंदर बनने लग जाती हैं, तो वह हृदय काम करते करते थकने लग जाता है, अन्यथा हृदय कभी थकता नहीं है। हृदय कितना भी रक्त शरीर में बहता रहे, सबका शोधन करता रहेगा, लेकिन वो थकता तब है जब आप उसके लिए कुछ गलत दे रहे हो और आपको पता नहीं हो और उसको पता हो। अनियमित दिनचर्या, कब सोना, कब जागना, कितना घूमना, कितना चलना, अनियमित दिनचर्या, कोई नियमित नहीं है। अनियमित भोजनचर्या, कभी भी कितना भोजन कर लेना, कौन सा भोजन करना, कितने टाइम पर करना, वो भोजन हमारे पाचन शक्ति के अनुसार है कि नहीं, स्वास्थ्य वर्धक है कि नहीं, कुछ भी पता नहीं होना और भोजन हो जाना, स्वास्थ्य वर्धक नहीं होना। अगर भोजन में प्रदूषण तत्व ज्यादा है, आपके शरीर में गैस बनने लगी, आपके शरीर में कब्जियत होने लगी, इन सारी चीजों के कारण से जो शरीर के अंदर प्रदूषित वायु उत्पन्न होगी, वो सारा का सारा इफेक्ट सबसे पहले कहां पहुंचाएगी? पेट के ऊपर, आंतों के ऊपर। क्या होता है? सबसे पहले हृदय होता है, और उस हृदय के पास में जब ये प्रदूषण पहुंचता है तो बस हृदय की गति को बाधा उत्पन्न होने लग जाती हैं, और यही बाधाएं जब ज्यादा हो जाती हैं तो बस फिर हृदय थकने लग जाता है, और एक दिन थक के जब वो शांत हो जाता है तो उसी का नाम हार्ट अटैक कहलाता है। एक भीतरी कारण, बहुत दिनों से कब्जियत रहना, शरीर के अंदर दूषित वायु उत्पन्न होना, हमारा खान पान स्वस्थ नहीं होना, गंदी चीजें खाना,
बाजारू चीजें जिनकी कोई स्वास्थ्य वर्धक जिनके ऊपर कोई लेवल नहीं लगा हुआ है, कहीं पर भी खड़े होकर के कोई भी बाजार की कोई भी चीजें खाने लग जाना, किसी भी दुकान की कितने भी दिनों की रखी हुई मिठाइयां हैं या कोई भी तरीके की कोई भी ठेलों के ऊपर रखी हुई कोई भी चाट है, ये सब चीजें जो आपको बहुत चटपटी लगती हैं और अच्छी लगती हैं, ये सब हृदय के लिए दुखदायी चीजें होती हैं। सृजिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। आज हम देखें कि यह जो केसरिया झंडा हमारे सामने है, तीन रंग का जो झंडा हमारे सामने है, इसके अंदर भी धर्म छिपा हुआ है। रंगों के भी अपने प्रतीक हुआ करते हैं, विज्ञान हुआ करता है, एक कलर साइंस भी हुआ करती है। और अगर हम देखें सबसे ऊपर जो गहरा केसरिया रंग का यह जो रंग है, यह केसरिया रंग बताता है कि हम सबके जीवन में मंगल होना चाहिए। यह केसरिया रंग मंगलता का, पवित्रता का, शुभता का प्रतीक है और हर व्यक्ति अपने जीवन में मंगल लाए इसलिए उसे यह केसरिया रंग याद करना चाहिए। और यह केसरिया रंग हमारे पंच परमेष्ठियों में आचार्य परमेष्ठी का रंग माना जाता है। यह दूसरा रंग जो बीच में सफेद रंग है, सफेद रंग की पट्टी है, यह सफेद रंग विशुद्धि का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, आत्मा के उज्जवल भावों का प्रतीक है और इस बात का प्रतीक है कि हम सभी को अपने विचार, अपने भाव, अपनी आत्मा निरंतर शुद्ध बना करना चाहिए। ऐसी उज्जवलता हमारे परिणामों में बनी रहनी चाहिए जैसी उज्जवलता इस सफेद रंग में हमें दिखाई देती है। यह सफेद रंग उस उज्जवलता का प्रतीक है कि देश का हर नागरिक उज्जवल विचारों वाला हो, शुद्ध सात्विक भावों के साथ जीवन जीने वाला हो, अपने जीवन में किसी भी तरह का कलंक लगाने वाला ना हो और वह इस तरह का जीवन जिए कि उसके जीवन की पवित्रता हमेशा उसके जीवन को उन्नत बनाती रहे। यह हमें संदेश देता है यह सफेद रंग की पट्टी, जिसके माध्यम से यह हमें सफेद रंग उज्जवलता को बता रहा है। और इसी के साथ में नीचे एक हरे रंग का कलर है और यह हरा रंग हरे रंग की पट्टी है और यह हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। सबसे ज्यादा समृद्धि आती है देश के अंदर कृषि के माध्यम से। यह भारत देश कृषि प्रधान देश माना जाता था और आज भी माना जाता है। कृषि प्रधान देश होने का मतलब ही है चारों ओर हरियाली होना, चारों ओर फसलें होना, धन धान्य से लदा हुआ पूरा भूखंड होना। और इस तरह से धन धान्य से लदा हुआ अगर ये भूखंड बना रहेगा तो हर नागरिक यहाँ का स्वस्थ, समृद्ध और संपन्न रहेगा। भारतीय कृषि के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अंदर संपन्नता ला सकता है, ये हरा रंग हमें समझा रहा है, ये प्रतीक है इस बात का। ये तीनों रंगों में हमारा पूरा जीवन निहित है। हम अपने जीवन को मंगल बनाएं, पवित्र बनाएं, समृद्ध बनाएं, लेकिन बीच में जो सफेद रंग की पट्टी के अंदर जो एक चक्र बना हुआ है, यह वह धर्म चक्र की याद दिलाता है कि दुनिया में अगर हमारे अंदर सुख शांति रहेगी तो धर्म चक्र को ध्यान में रखने से रहेगी। ये धर्म चक्र का प्रतीक है। और धर्म का मतलब क्या है? दया धर्म, प्राणी मात्र की
रक्षा का धर्म, प्राणी मात्र के लिए अपने अंदर इस तरह का भाव होना कि उसे हमारी जीवनचर्या से कोई हानि ना पहुंचे, इस प्रकार का अहिंसा धर्म, करुणामयी धर्म, यही धर्म अहिंसा धर्म कहलाता है। और इसी धर्म को सिद्ध करने के लिए यह धर्म चक्र आपके सामने है। तो जो लोग भी तिरंगा को फहरा रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि वह धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, और ये भी ध्यान रखें कि इस देश के अंदर अगर अहिंसा की प्रभावना रहेगी तो ये देश उन्नति को प्राप्त होगा, और अगर इस देश के अंदर अहिंसा हिंसा में बदल जाएगी तो इस देश का भी भविष्य बिगड़ जाएगा। ये बात केवल तिरंगा फहराने से नहीं आएगी, तिरंगे का महत्व समझने से आएगी। कोई भी प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों का अपना एक महत्व होता है, उनके पीछे अपनी एक साइंस होती है। उस साइंस को, उस इंपॉर्टेंस को अगर हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में तिरंगा हमारे घर घर में क्यों होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यांजक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश।